राजस्थान भारत का एक प्रमुख प्रांत है। जहां एक ओर हवाओं में भारतीय संस्कृति की महक है, तो दूसरी ओर धार्मिक मान्यताएं लोगों में एकता बनाए रखती हैं। यही वजह है कि राजस्थान के देशनो गांव में आस्था विश्वास का प्रतीक बना करणी माता का ये प्राचीन मंदिर, जिसे राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना गया है। राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करणी माता का ये मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि करणी माता का ये प्राचीन मंदिर अन्य प्राचीन मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को करणी माता के दर्शन के साथ साथ जो नजारा देखने को मिलता है, वो बिल्कुल ही अनोखा एवं अद्भुत होता है। वो किस लिए, आइए हम आपको बताते हैं। मंदिर परिसर में यहां वहां दौड़ते हुए ये चूहे सबके लिए बेहद खास हैं। हजारों की संख्या में मौजूद इन चूहों की देखरेख में कोई कमी नहीं रखी जाती। मां के दर्शन के लिए जो भी भक्त आता है, वो इन चूहों के लिए भी प्रसाद के रूप में लड्डू या दूध अवश्य लाता है। मंदिर परिसर में चूहों के लिए बड़ी चांदी की परात भी रखी गई है। साथ ही चूहों को चील, गिद्ध और अन्य जानवरों से बचाने के लिए मंदिर के खुले स्थान को लोहे की बारीक जालियों से ढककर रखा गया है, ताकि कोई भी जीव जंतु इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। करणी माता के इस प्राचीन मंदिर में मां के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को यहां का नजारा देखकर हैरानी तो होती ही है, साथ ही ये प्रश्न भी मन में उठता है कि आखिर इन चूहों की यहां इतनी देखरेख क्यों की जाती है। मंदिर का ये अद्भुत नजारा देखकर तो आपके अंदर भी कई सवाल अवश्य उठ रहे होंगे कि आखिर मां के इस मंदिर में ऐसी क्या बात है, क्यों चूहों को यहां इतनी विशेषता दी जाती है और इतनी संख्या में चूहे यहां क्यों रहते हैं। करणी माता का ये अवतार अश्विनी शुक्ल सात संवत 1444 को हुआ था। राजपूत और चरण जाति ही नहीं, अनेक जातियों की उपास्य करते हुए देवी ने बचपन में ही अनेक चमत्कार किए। श्रद्धालुओं का मानना है कि करणी माता ने जिस गुफा में रहकर अपने इष्ट देवों की पूजा अर्चना की थी, उसी गुफा में मां का शरीर ज्योतिर्लिंग हो गया था और आज उसी गुफा में करणी माता ने लौकिक रूप से देपाजी के साथ विवाह किया था, परंतु माता ने स्वयं को ब्रह्मचर्य व्रत में रखा। इसी कारण उनकी इच्छा अनुसार माताजी की छोटी बहन बाई के साथ देपाजी का दूसरा विवाह हुआ।
और उनके चार पुत्र हुए, पुनमराज, नगराज, सिद्धराज और लक्ष्मण राज। जब माता जी अपनी गुफा में धर्म ध्यान करती थीं, तो उस समय प्रत्येक पुत्र बारी बारी से एक माह तक माता जी की सेवा में रहता था और आज भी उसी परंपरा के अनुसार माता जी की नित्य सेवा इन्हीं पुत्रों के वंशजों द्वारा प्रत्येक माह बारी बारी से की जाती है, जिन्हें बारीदार के नाम से जाना जाता है। चूहों को लेकर जो विशेषता एवं तथ्य इस मंदिर के साथ जुड़ा, उसके अनुसार करणी माता की बहन के सबसे छोटे पुत्र एवं मां के लाडले बेटे लक्ष्मण राज की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद करणी माता ने तपस्या कर यमराज से बेटे को फिर से जीवित करने की मांग की। तब यमराज ने उनके लाडले पुत्र को तो जीवित कर दिया, लेकिन उसे मनुष्य नहीं बल्कि एक चूहे का रूप दिया। तब से माना जाता है कि करणी माता के वंशज मृत्यु के बाद चूहे बनकर जन्म लेते हैं और देशनोक के इस मंदिर में स्थान पाते हैं। करणी माता का ये मंदिर राजा गंगा सिंह ने बनवाया था। संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को श्री करणी माता ज्योतिलीन हुई और ठीक चार दिन बाद से यहां करणी माता जी की सेवा पूजा होती चली आ रही है। करणी माता साक्षात मां जगदम्बा की अवतार हैं। राज दियो ऋण मल ने खुद हाथा से तिलक करो। इस गुफा में श्री करणी माता के उस रूप की मनुष्य मूर्ति है, जिसका दर्शन श्री बने खाती को नेत्र ज्योति मिलने पर हुआ और उन्होंने ये मूर्ति जैसलमेरी पत्थर पर उसी अनुसार बनवाई। इस मूर्ति में माँ का चेहरा सौम्य रूप में मुस्कुराता है। मैं तो माँ करनी मूरत अमर बनाओ, सोने चांदीरा अर्क सजाया, सोने चांदीरा अर्क सजाया, हीरा रो तिलक लगाओ,
बनाऊं मैं तो माँ करणी मूरत अमर बनाऊं मैं तो माँ करणी मूरत अमर बनाऊं। मंदिर को संगमरमर से बनवाया गया है। संगमरमर पर की गई नक्काशी विशेष रूप से देखने योग्य है। द्वार की चौखट पर चूहों की अविरल श्रृंखला की अपनी अलग ही पहचान है। चांदी का बना मुख्य विशाल द्वार, मां करणी को समर्पित सोने का छत्र सभी मां के मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। मंदिर में सुबह 5 बजे मंगला आरती और साय 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। इस मंदिर में भक्तों से ज्यादा काले चूहे नजर आते हैं। माना जाता है कि अगर चूहे किसी भक्त के पैर पर से गुजर जाते हैं तो वो बेहद शुभ होता है, और यदि आपको मंदिर के परिसर में काले चूहों के बीच सफेद चूहा दिख जाता है तो समझो आपकी मनोकामना पूरी। करणी माता के इस प्रसिद्ध मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस मंदिर में इतनी ज्यादा मात्रा में चूहे होते हुए भी आपको मंदिर परिसर में बदबू का एहसास तक नहीं होगा, और आज तक कोई भी भक्त मंदिर में आकर या प्रसाद खाकर बीमार नहीं पड़ा है। साथ ही ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में चूहों के होने के बावजूद भी देशनोक गांव प्लेग और अन्य खतरनाक बीमारियों से कोसों दूर है। वैसे तो साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, और हर महीने की सुदेश शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि 9 बजे विशेष पूजा और भोग आरती होती है। पर साल में 2 बार यानी शारदीय और चैत्र नवरात्रों के दौरान दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ आती है। उस समय मंदिर के पास विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर के पास धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं। मां करणी मंदिर तक श्रद्धालु विभिन्न वाहनों के द्वारा पहुंच सकते हैं, जैसे बस, जीप और टैक्सियां। बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित देशनोक रेलवे स्टेशन के पास ही ये मंदिर स्थित है। पिछले 2 दशकों से मंदिर का निरंतर विकास हो रहा है। भारत की अद्भुत परंपरा और विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है करणी माता का ये प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर। जपो मां करणी नाम जपो